तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से तेज बारिश हो रही है, जोरदार बारिश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भी भर गया है। आज हफ्ते का चूंकि पहला दिन है, रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को वैसे भी सड़कों पर जाम रहता है। ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बड़ा अहम दिन होता है, ऐसे में बारिश की वजह से कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान की, जहां पर हर बार कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है कि सड़क लबालब पानी से भर जाती है। और यही दिख रहा है आपको, इसी पानी के बीच साइकिल सवार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, गाड़ियां भी रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। ये मूलचंद फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं दिल्ली की, यहाँ पर भी लगातार बारिश की वजह से कैसे हालात बने हुए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रगति मैदान पर जल जमाव की तस्वीरें सामने आई हैं और अब जब ऑफिस जाना शुरू करेंगे लोग तो हो सकता है लंबे जाम की शिकायत उन्हें हो। दिल्ली वासियों के लिए सोमवार का आगमन मूसलाधार बारिश से हुआ है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। कई घंटों की बारिश के बाद ऐसी कुछ तस्वीरें हो गई हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कें जो है इस वक्त आपको एकदम गीली नजर आएंगी। अभी भी बारिश जो है वो हो रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग सुबह 3:30-4 बजे जो है राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश शुरू हो गई थी। और वहीं देखिए दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए अभी भी आसमान में आपको काले बादल जो है वो छाए हुए नजर आएंगे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले लगभग 1 से 2 घंटे तक ये बारिश जो है वो चलती रहेगी। और इस वक्त का अगर मैं तापमान आपको राजधानी दिल्ली का बताऊं तो 26.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो राजधानी दिल्ली का तापमान है। और उसी के साथ साथ IMD के अनुमान के मुताबिक आज का न्यूनतम तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। और वहीं जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसी के साथ साथ आज सोमवार का दिन है, अभी लोग घरों से निकले नहीं हैं दफ्तर जाने के लिए, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में शायद दिल्ली की कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिले कि जल भराव हो जाए, जिसकी वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को, आवाजाही करने वाली गाड़ियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ सुरभि काग, ABP न्यूज दिल्ली। और हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, संवाददाता सुरभि काग का रुख कर लेते हैं, प्रगति मैदान से हमारे साथ हैं। सुरभि, इस वक्त मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि देर रात से बारिश लगातार चल रही है, अभी क्या स्थिति? जी देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें देखिए कुछ ऐसी हैं कि जल भराव जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारे पीछे ये बस स्टॉप आपको नज़र आएगा जो पूरा पानी में इस वक्त जो है डूब चुका है। उसके नीचे का जो पेवमेंट है यानी कि फुटपाथ, वो पूरा पानी में डूबा हुआ है। पानी की लहरें जो है आपको इस तरफ नज़र आएंगी। और पीछे ही मैं आपको बता दूँ कि सर्वोच्च न्यायालय है। और वहीं अगर मैं अपनी भी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो मेरा जो खुद का इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं तो देखिए मेरे जो घुटने तक पानी इस वक्त यहां जो है भरा हुआ है। ऐसी कुछ स्थिति राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। और शर्मनाक है, जहां एक तरफ संसद भवन में मानसून सत्र की शुरुआत है, वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय के बाहर की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पानी की वजह से आवाजाही करने वालों को इतनी दिक्कत हो रही है। ऑटो जो हमारे सामने से जा रहा है, देखिए लगभग सारे पहिए जो हैं उसके भरे हुए हैं, पानी अंदर घुस रहा है। उसी के साथ साथ जो तमाम यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, जो आवाजाही करने वाले लोग हैं, गाड़ियाँ खराब पड़ रही हैं। और इसी के आगे ही प्रगति मैदान का इलाका है, जहाँ पर निर्माण कार्य जो है काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अभी भी जो जल भराव की स्थिति हो जाती है मानसून के समय में, उससे निपटने के लिए किसी भी तरह के इंतजाम करे हुए जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये राजधानी दिल्ली का एक बहुत ही प्रीमियम इलाका है। आप सोचिए कि राजधानी दिल्ली के जो तमाम और इलाके हैं, जो तमाम कॉलोनियाँ हैं, उसी के साथ साथ जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ की स्थिति जो है इन चंद घंटों की बारिश के बाद कैसी होगी? बिल्कुल सुरभि, आप ठीक कह रही हैं। तस्वीरें जो है वो हैरान करती हैं, क्योंकि गर्मी से निजात हर कोई चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता है जो तस्वीरें देखने को मिल रही है। अंजलि सिंह हमारी सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ सिग्नेचर ब्रिज से। अंजलि, वहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन क्या वहां पर भी जल जमाव जैसी स्थिति? लेकिन आप देखेंगे कि तेज बारिश के चलते कई सारी गाड़ियां जो है वो बंद जरूर पड़ रही है। हालांकि यहाँ पर सुबह सुबह के वक्त अमूमन इतना जाम नहीं लगा होता है, तो अभी ट्रैफिक आराम से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइन से आप देखेंगे कि कई गाड़ियां जो है वो खराब पड़ गई है। और आसपास के इलाकों में भी
कल जल भराव जरूर देखने को मिला, पर इस समय तेज बारिश शुरू हो चुकी है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से सुबह से बारिश हो रही है। मौसम जरूर खुशनुमा हो गया है, लेकिन क्योंकि आज सोमवार का दिन है तो अभी जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा और क्योंकि तेज बारिश हो रही है तो दिल्ली की स्थिति भी हम देखते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि ज्यादा जल जमा ना हो और लोगों को ट्रैफिक की मुसीबतें हैं जो वो ना झेलनी पड़े। हालांकि अभी फिलहाल मौसम जो है वो काफी खुशनुमा है जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लौटते रहेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में कल बारिश से हुई तबाही में 30 लोगों की मौत हो गई। अभी फिलहाल वहां बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने आज के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि वहाँ भारी से भारी बारिश हो सकती है। आज सोमवार है, लोग काम पर निकलेंगे लेकिन मौसम की वजह से बाहर निकलने वाले लोग मुश्किल में फंस सकते हैं, इसीलिए मुंबईकरों को सावधान रहने की ज़रूरत है। कल मुंबई में भारी बारिश से 3 अलग अलग हादसों में मरने वालों की संख्या 30 हो गई। चेंबूर में पहाड़ का मलबा झोपड़ियों पर गिरा जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। विक्रोली में 10 और भांडुप में एक युवक की मौत हो गई। तो मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है और मुंबई की ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। अंधेरी की आप तस्वीर देखिए, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। आज सोमवार है और कुछ ही देर में लोग अपने घरों से दफ्तरों की तरफ जाने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है कि उन्हें ट्रैफिक का सामना करना पड़े और तमाम दिक्कतों से जूझना पड़े। और इस वक्त एक तस्वीर नवी मुंबई से सामने आई है। कल भारी बारिश की वजह से नवी मुंबई के सीबीडी इलाके की एक पहाड़ी पर घूमने गए पर्यटक फंस गए थे। उन्हें दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। फंसे हुए लोगों में कई बच्चे भी थे। ये मुंबई की ही खबर है जहां नवी मुंबई में भारी बारिश की वजह से नवी मुंबई के सीबीडी इलाके की एक पहाड़ी पर घूमने गए पर्यटक फंस गए थे। उन्हें दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। फंसे हुए लोगों में कई बच्चे भी शामिल थे। हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है मुंबई में? आप कौन से इलाके में मौजूद हैं? जी, मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूँ और बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। और अभी की मैं थोड़ी सी तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए, ये रिमझिम बारिश और जो थोड़ा बहुत जल जमाव है, वो पानी जो रात की बारिश का है वो अभी तक निकला नहीं है। वो सड़क पर थोड़ा बहुत पानी जमा है। बीती रात को भी बारिश हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार की बारिश 24 घंटे पहले मुंबई में हुई थी वो डरावनी बारिश थी और उस बारिश ने तो 30 लोगों की जान भी ले ली। यानी कि मुंबई की बारिश अब सिर्फ सुहाना मौसम नहीं लाती बल्कि मुंबई की बारिश डराती है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो मुंबई के उपनगर में, जो सांता क्रूज में ये नापा जाता है, 60 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि दक्षिण मुंबई में कोलाबा में ये 30 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी कि 24 घंटे में बारिश कम हुई है, लेकिन आज के लिए भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तेज हवाओं के साथ लगातार मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि जरूरी ना हो, बेहद जरूरी हो तो घरों से बाहर निकले। इसके अलावा समुद्री किनारों पर जाने पर सीधे तौर पर मनाही की गई है, कोई भी व्यक्ति समुद्री किनारों पर नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर मुंबई में ये बारिश जो है वो बड़ी चिंता बढ़ाती जा रही है। प्रत्येक दिन में अगर 200 mm की बारिश हो रही है, यानी मुंबई की चिंता बढ़ाने वाली बारिश। अलग अलग इलाकों से जो हादसे की तस्वीरें आ रही हैं वो काफी हद तक परेशान करती है। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई और हादसे ना हो। आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। कहीं कम बारिश हो रही है तो कहीं इतनी बारिश हो रही है कि जान मुसीबत में पड़ जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।